वेल गोवा से तेजस्वी लौट आई है एक दिन के म्यूजिक वीडियो के शूट के बाद। वेल करण अभी भी गोवा में है क्योंकि वो कर रहे हैं उस गाने के अगले पोर्शन को शूट। तेजा को ऑब्वियसली नागिन 6 के शूट के लिए आज वापस आना था मुंबई और इसीलिए एक दिन में उनके जो पोर्शंस थे वो हो चुके हैं कंप्लीट। वेल आज जब मुंबई एयरपोर्ट पे उन्हें स्पॉट किया गया तब ऐसा क्या हुआ जिससे तेजस्वी हो गई परेशान? आखिर मीडिया से उन्होंने क्या बात कही और क्यों कहा छोड़ दो यार मेरा पीछा? वेल देख रहे हैं आप पीपा फूज, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। वेल जैसे ही पता चला पैपराजी को कि तेजस्वी जो है मुंबई पहुंचने वाली है एयरपोर्ट पे, ऑलरेडी जाके उन्होंने अपना जो है कैमरा पकड़ के तैयार थे कि किसी भी वक्त अब तेजस्वी बाहर आ सकती है। और एयरपोर्ट के बाहर आते ही वो जाने वाली थी राइट साइड की और जा रही थी, लेकिन पैपराजी ने उनको बुला बुला के लेफ्ट में ला दिया। यहाँ पे तेजस्वी यू नो बिकॉज शी डिड नॉट वॉन्ट टू क्या कहते हैं इंसल्ट देम या फिर उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो सीधा वापस आ गई और मीडिया से इंटरेक्ट करा। तब उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनका एक दिन का शूट था और जिस वजह से शूट कंप्लीट होने के बाद वो वापस आ गई है मुंबई और करण अभी भी शूट में है। लेकिन पैपराजी उन्हें जाने ही नहीं दे रहे थे, हर जगह से उन्हें घेर लिया था। बेचारी जहाँ जहाँ जाती वहाँ वहाँ कैमरास पहुँच जाते और वो पार्किंग तक जाने तक पैपराजी ने पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ा और कहने ये भी लगे अरे यार अब तो छोड़ दो, अब तो जाने दो, आप तो मुझे स्टॉक करने लग गया, आपको कहाँ से पता चल गया कि मैं यहाँ पे आने वाली। तो पैपराजी ने कहा वेल हमको सब कुछ पता होता है मैडम। और इस तरह से फिर तेजस्वी हंसती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन पैपराजी ऑब्वियसली उन्हें जाने नहीं देना चाह रहे थे क्योंकि वो चाहते थे कि तेजा की कोई अच्छे शॉट्स मिले, कुछ अच्छे वीडियोस मिले और अच्छे बाइट्स भी मिले। अब इस तरह जो है तेजा बेचारी कह रही थी अरे जाने दो। फिर फाइनली दो तीन पैप्स ने कहा कि अरे ऐसा मत करो मैडम को जाने दो, उन्हें लेट हो रहा है। इस तरह से कैसे तो बचते बचाते कैमरा से तेजा जो है अपने कार तक पहुंच जाती है और फिर तेजा कहती है अरे अब तो जाने दो, आप वैसे भी वैनिटी में आने ही वाले हो ना, वैनिटी के बाहर आ ही जाओगे नागिन 6 के शूट पे, तो अब तो मुझे जाने दो। बेचारी काफ़ी प्यारे तरीके से उन्हें कहती है वो, और उसके बाद पैप्स कहते हैं हाँ हाँ अभी जाइए जाइए हम तो आने ही वाले। तो तेजा कहती है ठीक है आप आ जाओ लेकिन अभी मुझे जाने दो। इस तरीके से कैसे तो वे बना के अपने कार तक पहुंच जाती है और कार में बैठ के निकल जाती है फॉर हर शूट नागिन 6 के लिए। क्या है आपको इसके ऊपर कहना नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जिस तरीके से फैंस प्यार करते हैं तेजा से, उसी तरह से पैप्स भी ढेर सारा उनसे प्यार करते हैं और हमेशा चाहते हैं कि बहुत अच्छे से गप्पे जो है वो तेजा के साथ मार सके, क्योंकि तेजा इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, काफ़ी अच्छी है और उनसे बात करके पैप्स को भी आता है बड़ा मज़ा। व्हाट्स योर टेक ऑन इट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू गाइस सून, बाय बाय।